बिसम रिम्स अल्लाम जी कन्वर्सिंग इस्लाम के एक और सीज़न के साथ मैं हमज़ाली अबासी आपके सामने हाजिर हूँ इस शो में हम कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स के बारे में बात की जाए जिनको थोड़ा सेंसिटिव समझा जाता है हसास समझा जाता है या उनूज़ के बारे में बात की जाए जिन इशूज़ के बारे में हमारा जो नुक़ः नज़र है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो प्रेवलेंट नुकतः नज़र है उससे तो इसी सीरीज़ को आज बढ़ाते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे बहुत खुश लिबास खुश अखलाक खुश लैंग्वेज जनाब हसन अलिया साहब क्या हाल चाल है ठीक ठाक है असन भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं खैरियत से हैं अल्लाह है। का शुक्र जी बहुत अच्छा लग रहा है आज दोबारा आपके साथ बैठ के अल्लाह ताला के इस्लाम की बात करते हुए विदाउट वेस्टिंग अच्छा जी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे हैं हसन भाई टॉपिक ये है जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है बहुत सारे लोगों के जहन में कि देखें दीन क्या है दीन अल्लाह ताला का हुक्म है दीन मुझे कहता है खुश अखलाक होना चाहिए सच बोलना चाहिए अच्छे काम करने चाहिए इल्म और अमल के मामले में दयानतदारी अपनानी चाहिए लेकिन जो प्रेवलेंट हमारे यहाँ ओपिनियन है वो ये भी कहता है कि भाई इससे भी सबसे बड़ा एक फरीज़ा है दीन का जो और ये नुक़ः नज़र पिछले एक सौ साल में तकरीबन बहुत फेमस हुआ वो ये कहते हैं कि जी दीन का असल में सबसे बड़ा फरीज़ा ये है जिसकी वजह से अरतु भी बहुत फ़ेमस हुआ कि असल में आपने दीन ख़ुद भी अपनाना है दीन एक पैगाम तो है ही जो आपने दुनिया को भी देना है अल्लाह ताला का लेकिन दीन एक नाफि करने वाली चीज़ भी है यानी कि मैंने दीन को उसके अहकाम को अपने इर्द गिर्द अपने मुल्क में सोसाइटी में और इवेंचुअली दुनिया के अंदर नाफिज करना है उसको ये अल्लाह ताला का मेरे लिए सबसे बड़ा सुप्रीम हुक्म है अब यहाँ पर आके आप एकदम कहते हैं ये वाकई है हुक्म तो हसन भाई नंबर वन ये हुक्म है क्या अल्लाह ताला का मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि जी वो आयत जो प्रेजेंट की जाती है मैं आपके सामने जल्दी से रख दूँ जी वो आयत वो आयत है जी 42 टू 42 आयत 13 प्रेजेंट की जाती है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एज़ प्रूफ नंबर वन डोंट वरी हम आगे मज़ीद आयात भी डिस्कस करेंगे अदीस भी डिस्कस करेंगे वाक़ भी डिस्कस करेंगे जो प्रजेंट किए जाते हैं इस नफाज दीन की तबीर को जस्टिफाई करने के लिए बट फर्स्ट वी कम टू द मोस्ट इम्पॉटेंट आयत जो मैंने बताई है जी चैप्टर फोटी टू आयत नंबर थर्टीन जिसमें अल्लाह तला कह रहे हैं कि और ये वही दीन है जो हमने नू की तरफ भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और जो इब्राहिम को भेजा और जो मूसा को भेजा और जो ईसा को भेजा इसी दीन को हमने आप लोगों के लिए पसंद किया तो इस, इसी दीन को इख्तियार करो और तफरके में ना पढ़ो लफ्ज इस्तेमाल होता है अकीमुद्दीन का हम कहते हैं कि जी ये लफ्ज़ है कि दीन को इख्तियार करो इसका मतलब ये नहीं है कि दीन को नाफि करो तो अकीमुद्दीन का मतलब क्यों नहीं है कि दीन को नाफिस करो शरा मूहन वलजी नबी इब्राहिम वमूसा नकीमुद्दीन वला ततफरकुफी आयत आपने पढ़ दी और बता भी दिया कि इस आयत को पढ़ के वो क्या तसवुर है जो लोगों में पेश किया जाता है फरीज़ा फरीजात दीन कहा जाता है कि जिस तरह नमाज रोज़ा जक़ात है जी सब चीज़ें हैं लेकिन दीन का बुनियादी हदफ और नसबुलैन वो क्या है दीन को नाफिस करना और उसको ताबीर ये अलफाज में किया जाता है कि फरीजात दीन इस आयत से हम क्या मुराद लेते हैं और वो जो तस्वुर बिलुबूम बयान किया जाता है वो क्यों मुराद नहीं लिया जा सकता इसके लिए तीन बुनियादी बातें हैं एक, एक करके चलते हैं कदम ब कदम पहली चीज़ ये है कि अल्लाह की जो भी बात हम तक पहुँचेगी हमारी मजबूरी है कि वो ज़ुबान के दायरे में है जब कोई चीज़ ज़ुबान के दायरे में आती है तो फिर ज़ुबान के मुसलमा कवायद ज़ुबान के मुसलमा मानी मफाहिम मतालब उनकी रोशनी में आपने तर्जुमा करना है तर्जुमा आप अपने घर से लाकर नहीं कर सकते पहली बात क्या मतलब मतलब ये इस बात का कि आपने अरबी का एक लफ्ज़ पढ़ा तो अरबी का लफ्ज पढ़ने के बाद उस लफ्ज का जो मफहूम उस लफ्ज का जो मानी है लफ्ज़ की मानी पर जो दलालत है वो आप आगाज नहीं करेंगे वो पूरा का पूरा एक इल्म है जिन्होंने अरबी जुबान पढ़ी समझी जानी लिखी उसके बारे में उसके यानी कि अगर मैं उर्दू जुबान में कहता हूँ कि अगर आपने ये बात की तो आपके वालद साहब आपके कान के नीचे दो लगाएंगे हाँ तो अब जिस तरह उसको समझा जाता है उर्दू में कान के नीचे दो लगाने का मतलब या आपको सबक सिखाएंगे उसी तरह समझा जाएगा ना कि मैं उसकी कोई और तोजी करूंगा कि नहीं वो आपके कान के नीचे इस तरह दो दफा टैप करें बिल्कुल ऐसे ही, ये है ऐसे ही जुबान ही। क्या है जुबान समा है सुनी जाती है जो लोग सुनते हैं उसको बयान करते हैं सदियों का एक तामुल है उससे अल्फाज के मानी हमारे सामने आते हैं ये हम लगत खोलते हैं और पढ़ते हैं कि फ़लां लफ्ज़ का क्या मानी है ये वो लगत का जो बंदा है वो ईजाद करके नहीं लिख रहा जो कुछ माशरे में राइज है वो उसको वहाँ पर सब्त कर रहा है तो पहला नुक्ता जो हम इस आयत के बारे में जानेंगे वो ये है कि ये लफ्ज़ का तर्जुमा क्या है जो लोगों ने किया है एकामत दीन एकामत दीन तो लफ्स का जो सादा तर्जुमा है और बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा है और उम्मत के पूरे इल ने आप इमाम जबशरी को उठाएँ अलामा आलूसी को उठाएँ आकाम को उठाएँ सब के सिर्फ़ यहाँ तक कि वो लोग कि जो इससे कामत दीन का मफहम बरामद करते हैं कुरान में यही ताबीर जो दूसरी जगहों पर आई है वो भी इसका तर्जु वही कर रहे हैं कि दीन पर अमल दरामद करो दीन को अपनी ज़िंदगी में कायम रखो दीन से हटना नहीं है दीन तुम्हारा नस्बोलैन रहना चाहिए दीन पर खड़े रहो उसकी हिफाजत करो उसको नज़रअंदाज ना करो ये इसका सादा तर्जुमा ये, ये दूसरी जगह भी आया है ये दूसरी जगह पर भी आया है ये नमाज के बारे में भी आया है ये और चीज़ों के बारे में भी आया है नमाज कायम करो मज़ा नमाज के बारे में आया।, आया तो ख़ुद कुरान ने बता दिया कि नमाज कायम करने से कमत सलाद की ताबीर आती है ना क्या मुराद है ख़ुद कुरान ने बताया कि नमाज पर मुदावमत दा और दूसरी जगह का यू हाफून नमाज की हिफाज़त करना तो लफ्ज के अतबार से कोई दूसरा माना इसका हो ही नहीं सकता देखिए लफ्ज जो है दुनिया भर में कोई भी फेल होता है या वो किसी टेंजिबल चीज से मुतलक होगा मादी चीज़ से या वो किसी तस्वुर से नजरी चीज़ से मुतलक़ होगा ये जब लफ्ज़ अकामत का मादी चीज़ से मुतलक़ होता है तो इसका मफह मतिन है सीधा करना हम कहते हैं अकीम बिल्कुल भाई तराजू में सीधा करो तराजू में ठीक तोलो ये जब किसी मानवी तस्वुर से मुतलक होता है तो इससे मुराद होती है कायम करना हिफाजत करना नाफिस करना भी मुराद हो सकती है लेकिन इस आयत में वो मुराद नहीं ली जा सकती क्यों इसलिए कि इस आयत के अंदर ये बताया गया है कि तुमने दीन को कायम करना है अगर नाफि करने की ताबीर होती तो आगे बताया जाता कि किन पे नाफिस करना है मिसाल के तौर पर अरबी में कहता हूं अकमिलहद दिल ही कि भाई तुम हद को नाफिस करो उन पर तो यहाँ पर तो जिक्र ही नहीं है यहां पर किस चीज का जिक्र है कि भाई वही दीन है जो मूसा को दिया जो ईसा को दिया जो आदम को दिया जो नूह को दिया वही दीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस दीन पर कायम रहो नाफिज करना है किन पर नाफिज करना है ईसा ने किन पर नाफिज किया मूसा ने किन पर नाफिज किया नू ने किन पर नाफिज किया वो तो अपनी दावत है पहली बात दूसरी बात आयत में क्या जिक्र हुई बला तफर कुफ़ी मातु फलह यानी इसके साथ जुड़ी हुई बात है कि भाई दीन को जो भी आपने तर्जुमा कर लिया नाफि करो तर्जुमा कर लिया आगे का तफरका मत करो क्या मतलब इसका और मैं आपसे कहता हूँ भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ और अगर मैं ये कहूँ और अच्छे शहरी बनो कानून की पाबंदी बनो तो बात समझ में आती है हाँ नहीं कि नहीं गाड़ी आहिस्त चलाओ स्पीड लिमिट का एहतराम करो ताकि अच्छे शहरी बनो लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ और जल्दी शादी कर लो तो इन दो बातों का कोई ताल्लुक आपस में बनता है नहीं बनता नहीं है। तो देखिए इस आयत के अंदर बिल्कुल सीधी सादा साफ बात बयान हो रही है वो बात क्या है वो बात ये है कि दीन ये मोहम्मद सल्लम जो लेकर आए हैं ये इन्होंने कोई आगाज नहीं किया इस दिन का ये कोई नया दिन नहीं है ये वही दिन है जो आदम को दिया जो नू को दिया और जो कुछ दीन की हिदायत उनके पास मौजूद थी उन्होंने क्या किया उन्होंने उस पर अमल दरामद किया तो तुम भी इस पर अमल करो दीन पर अमल करना दीनी अहकाम को बजा लाना उस पर कायम रहना उसकी हिफाजत करना ये इस लफ्स का सादा तर्जुमा है यहाँ तक कि मैं अर्ज कर दूँ कि जिन लोगों ने इससे वो तस्वुर बरामद किया है कि भाई दीन को नाफ़ करना है ज़रा आप पलट के उनसे पूछिए कि यहाँ पर अगर ये हुक्म दिया गया है दीन को नाफ़ करना तो दीन तो बेशुमारहकाम का नाम है पसंद दीन मुझे कहता है भी निकाह करना है तो ये तरीका है उसका तलाक़ देनी है तो उसका ये तरीक़ा है लेन देन के मामला करना है तो ये तरीका है उसमें कानून सियासत भी है उसमें माशरत भी है उसमें इखलाकियात भी है ये सारी चीज़ें हैं अगर नाफ़ करने का मफहम है पूरे दीन को तो मैं क्या निका को नाफ़ि करूँगा लोगों मैं निकाह के गवाह लाने के लिए चीज़ों को नाफ़ करूँगा मैं तलाक कैसे दूँ ये हुक्म को मैं नाफ़ करूँगा ये बात के दीन को नाफि करना है ये बात तो दीन के खुद अहकाम के बारे में साबित ही नहीं होती क्योंकि दीन की कई हुक्म जो हैं वो नाफज करने वाले हैं जैसे ज़क़ात है जैसे कि हद है जो हैं जो पनिशमेंट्स हैं लेकिन कई हुक्म हैं जो कि मेरे नाफिज करने वाले नहीं है वो इंडिविजुअली फैसला करेगा कि उसने कैसे इख्तियार कर एग्जैक्टली exactly. तो ये कहना कि दीन बहसियत मजमुई कोई ऐसी चीज है जिसको नाफिज करने का हुक्म यहाँ पर दिया गया ये टेक्निकली इस तरह भी गलत बात है इस तरह गलत बात इसलिए है कि आप अमली जिंदगी में मतलब मैं आपसे कहता हूं कि भाई आइन को नाफिज करो हुँ. तो आप क्या करेंगे हुँ. आप आइन को खोलेंगे उसकी एक एक शिक पड़ेंगे और ये कहेंगे कि भाई इस शिक में एक चीज़ है जिसको नाफिज करना है एक चीज़ है जिसकी इजाजत देनी है एक चीज़ है जिस पर मैंने अमल करना है मिसाल के तौर पर हमारे आइन में लिखा हुआ है कि हमारे सदर को मुसलमान होना चाहिए तो अब इस चीज़ को सदर ने मुसलमान होने के अकरार के बाद अमल करना है ये उस फर्द से मुतक है जो सदर बन रहा है उसका मुसलमान होना मैं इसको कैसे नाफिज करूँगा यह मिसाल के तौर पर आयन में लिखा हुआ है कि वजे अजम काबीना से इजात लेंगे तो अब यह वजीम के लिए एक बाइंडिंग चीज़ है इसमें मुझसे क्या ताल्लुक होगा अगर मैं कहूँ कि माइन की पासदारी करता हूँ तो ये भी तो कह सकते हैं कि दीन में जो हुक्म नाफिज करने वाले हैं सोसाइटी पे उनको नाफिज किया जाने के अंदर आपस में तफरके में ना बटो ठीक है अब अगर आप ये कहते हैं कि दीन में कुछ अहकाम ऐसे होते हैं कि जिनको नाफिज भी किया जाता है तो फिर ये तो हुक्म बताएगा ना फिर फरीजा अकामत दीन कहाँ गया कि हर हु से आप वो फैसला करेंगे कि ये हुक्म नाफिज करने वाला है भी सही या नहीं आपने तो फरमाया कि जी फरीजा अकामत दीन दीन को नाफि करना है और अब क्या बात हो रही है अब ये बात हो रही है कि दीन में कुछ हुक्म तो होते हैं ना नफाज के तो भाई अगर कुछ हुक्म नफाज के होते हैं तो हुक्म बताइए हुक्म बताएगा कि मैं नफाज करने वाला हूँ या नहीं हूँ हुकुम बताएगा इसीलिए ये जो पूरी ताबीर है कि दीन को नाफिस कर दो ये बिल्कुल बेबुनियाद है बिल्कुल गलत है लगत के अतबार से भी इल्म और अकल के मुसलमत के अतबार से भी खुद दिन के कॉन्टेंट पर गौर करने के अतबार से मिसाल देता हूँ आपको आप ये कहते हैं कि भाई कुरने मजीद में है वह तसम बेहद जमिया की रस्सी को मजबूती से थामे रखो आप कहें एतसाम एक फरीजा है। है है कि अब अब मैंने खुद भी भी थामना रस्सी रस्सी को 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 और दूसरों को भी है को मैं। अब जब आप कहेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई की रस्सी को मजबूती से थामे रखो आपने इसको एक करार दे दिया या मिसाल के तौर पर दाखिल होना तो एक फरीजा है तो अब दीन में दाखिल हो गए आप उसके बाद क्या करना है दूसरों को भी दाखिल करवाए अब जब आप करवाएंगे तो आप हुक्म बयान करेंगे ना आप वो बताएंगे कि भी दूसरों से किन किन चीज़ पे अमल दरामद करना है तो वहां पर हुक्म जेरे बहस आएगा तो हुक्म जब जेरे बहस आएगा तो हर हर हुक्म अपनी तयन करता है फरीज़ा कामत दीन कहने से दीन के सारे कॉन्टेंट और मशमूलत लाजिम नहीं हो जाते हुँ, हुँ। हर हर हुक्म की तरफ आपको लौट के जाना पड़ता है ये कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर अच्छा आप आयत को पढ़ें आयत क्या बात ब्याद कर रही है आयत ये बात बयान कर रही है कि भाई दीन एक है एग्जैक्टली exactly. अच्छा यहाँ पर ये बात भी वाजें हो जानी चाहिए है लोग कहते हैं कि अच्छा दीन पिछली दीन के अंदर तो तब्दीली थी नहीं है अगर एक ही दिन मुराद है तो यह तो तो भीब के, के, उस के से, समझ लेना चाहिए जब मैं आपसे कहता हूं कि आइन की पासदारी करो तो इससे मुराद ये होता है कि तिहत्तर का आइन जो हमारे मुल्क में राइज है उसमें अठारह तरमीमें हो गई है जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी पासदारी करो वो दिन जो अल्लाह ने उनको दिया था और वही दीन जो इस वक्त तुम्हारे पास जिस भी सूरत में है जो भी उसकी शरीयत में तब्दीली हो चुकी तुमने उस पर अमल दरामद करना है यह अमल दरामद मैं करूँगा मैं हुक्मरान हूँ मैं उस्ताद हूँ मैं बाप हूँ तो अब मैं देखूँगा कि मुझसे मुतलक भी कुछ अहकाम दिए गए हैं या मैं उन मामला में आज़ाद हूँ तो फरीज़ा अकामत दीन ये लफ्ज़ के अतबार से अख़ामत का लफ् मफहम जब वो किसी नॉन टेंजिबल चीज़ के बारे में किया जाता है वहाँ पर इससे मुराद क्या होती है नाफिस करने का मफोम या क्यों मुराद नहीं लिया जा सकता इसलिए कि ज़ुबान उसकी जात नहीं देती जुमले के अंदर जो दूसरी चीज़ बयान हुई है कि तफरक़ा ना करो दो बातें आपस में बिल्कुल मुख्तफ हो जाती हैं और सबसे अहम बात जब आप ये कहते हैं कि नाफ़ करो तो किस पर नाफ करो वो तो आयत में जिक्र ही नहीं है यानी नाफ़ किसपे करना है फ़र्द को हुक्म दिया जा रहा है कि नाफिस करो अब आप कहेंगे कि नहीं ये हुक्म तो हुक्मरानों को दिया जा रहा है तो ये तकसीस आपने कैसे पैदा किया में पीछे तो कहा आदम को ये कहा नूह को ये कहा ईसा को ये कहा मूसा को ये कहा मोहम्मद को ये दीन दिया है वो कह सकते ना कि वो आए तो यही करने के लिए थे लोगों ने साथ नहीं दिया उनका इकामत आमत का नहीं जो करने के लिए जो करने के लिए आए थे उसमें उनको लोगों के साथ की ज़रूरत नहीं थी अल्लाह उनके साथ वो काम करवाता है उसको इन जेर बहस लाएंगे कि जो काम उनसे मुतलक था उनकी मनसबी हैसियत थी उसमें नाफिज भी किया नाफि करना तो बहुत छोटी बात है भाई जिन लोगों ने नहीं माना उनको जमीन के पेट से उखाड़ के फेंक दिया वो सब कुछ भी किया लेकिन सवाल यह है कि जब आप ये कहते हैं कि आयत के अंदर बयान हुआ है कि एकामत दीन का मतलब है दीन नाफिज कर दो तो दीन के नफास् का नारा लगाने से दीन का हर हर हुक्म साबित नहीं हो जाता और जब जवाब आप में आप ये कहते हैं कि बाज अहम तो नाफि भी किए जाते हैं तो फिर फरीज़ा एकामत दीन की ताबीर अख्तियार ना करें हुक्म बताएं आयत पढ़ें लफ्ज़ में बताएं कि कौन सा हुक्म है जिसके बारे में कहा गया कि उसको नाफिज करें बिल्कुल सही बिल्कुल सही है क्योंकि ये हुक्म की डिस्टिंगशन <क्ष़ीग> ना होने की वजह से दीन बहसी मजमू से इस तरह के कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं कि जैसे नमाज को इन्फोर्स किया जाता रहा कई मुल्कों के अंदर और उस अनफोर्समेंट को आइडियलाइज भी किया जाता रहा कि नमाज देखें जी हम इनको ज़बरदस्ती पढ़वाएंगे दुकानें बंद करो मस्जिदों में जाओ इसी तरह ये जो रोज़ा रमज़ान के अंदर जो है ये ज़बरदस्ती एक नफाज किया जाता है कि जी दुकानें सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक नहीं खुलेंगी पब्लिकली को खा नहीं सकेगा एहतराम रमज़ान जैसे ऑर्डिनेंस वो इसी सोच के तहत किए जाते हैं ना कि जी ये दीन को नाफिज हम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी पैदा होते हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स पैदा हों बेशक हों ये अल्लाह का हुक्म नहीं है द फर्स्ट प्लेस मैं ही पहुंचा बिल्कुल है। और आयत को अगर जनरली भी देखा जाए आई डोंट नो इफ यू विल हैव एनफ टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट लेकिन आयत को अगर जनरली भी देखा जाए तो बात समझ आती है एज ले मैन कि देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो इंसानों मैंने एक ही दीन दिया था एक ही दीन हज़रत आदम को दिया एक ही दीन हज़रत ईसा को हज़रत मूसा को हज़रत इब्राहिम को तमाम पैगम्बरों के थ्रू मैंने एक ही दीन दिया था और तुम्हारे लिए भी यही दीन पसंद किया है तो इस दीन को इख्तियार करो और इसमें तफरके में ना पड़ो यानी अपने अपने दीन ना बना लो बीच में तो इस इख्तियार करो से ये जो इख्तियार दूसरों से भी करवाओ का सफ़र है वो ये इकामत दीन के वर्ड के डिफरेंस से पैदा हुआ है इसको ट्रांसलेट करने के डिफ़रेंस से बिल्कुल ठीक आपने बताया कि जी क्यों इसकी ट्रांसलेशन नफाज की नहीं बनती और क्यों इसकी ट्रांसलेशन है कि इसको इख्तियार करो अपने अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं कि चलें मान ली आपकी बात कि दीन जो है उसको नाफिज़ करने का अपनी जात में कोई हुक्म नहीं है इस्लाम के अंदर और हमने एक सारा डिफरेंस डिस्कस कर लिया लेकिन इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है और खास तौर तो पर इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ा प्रॉब्लमेटिक है हमें आज जो है वो तलाशियाँ जो एयरपोर्ट्स पर देनी पड़ती हैं दुनिया में जो बहुत सारी तहरीकें उठी जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही बहरहाल दुनिया में क्रिएट की वो इस हुक्म की वजह से तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म है कि इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ग़लबा हासिल होगा तो गलबा हासिल होने का तो मतलब यही नहीं है कि बाकी दीन जो है वो सारे के सारे लिमिनेट हो जाएंगे और हमारे दीन को ग़लबा हासिल होगा पूरी दुनिया में और हमारा दीन जो है नाफिज़ हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर इसके लिए भी जो है कुरान की आयत प्रज़ेंट की जाती है जिसको कहते हैं जी गलबा दीन की आयत जो है चैप्टर नंबर सिक्सटी वन वर्स नंबर नाइन

कि अब आपको फरीज़ा अकामत दीन का लफ्ज़ कहने के बाद अगर सब कुछ फ़र्ज़ हो गया था दीन को नाफ़ करना तो फिर अगला हुक्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी ये बात कि आप हुक्म एक और जगह से पढ़ के बयान कर रहे हैं बता रहे हैं कि नहीं दीन ने तो कहा हुआ कि दीन को गालिब आना चाहिए इसका मफहूम और मुराद ये है कि हर हर हुकुम अपनी नौीय तय करके बताएगा वरना आपको आये पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी नहीं। आप सिर्फ ये कहते कहतेमत दीन है दीन का जो कुछ कॉन्टेंट कुरान सुन्नत में मौजूद है उसको हमने नाफ़ करना है वहां तो कोई तख्सीस नहीं की गई आयत में आयत में ये नहीं कहा गया कि वो चीज़ें नाफज करो जो नाफज करने वाली हैं और वो चीज़ें वहां तो सिर्फ कहा गया अगर आपका तर्जुमा इख्तियार कर लिया जाए लेकिन जब आपने ये आयत पेश की और वो लोग जो इस नुक़ः नज़र के कायलिन हैं वो फिर उसके बाद ये आयत पेश करते हैं तो असल में यही वो कंट्रडिक्शन है जो ख़ुद उनके तस्वुर में पैदा हो जाती है

क्या अल्फाज़ हैं इसके इसके अल्फाज ही हैं कि लजी अरसला रसूल बिल होता मैं ही वो हूँ यानी अल्लाह ताला के बारे में कहा जा रहा है कि वही है कि जिसने रसूल को भेजा है किसको भेजा है रसूल को आपको भेजा है नहीं मुझे भेजा है किसी अमीर को भेजा है किसी सियासी जमात के सरबरा को भेजा है लफ्ज क्या आया है रसूल रसूल को भेजा है रसूल कौन होता है रसूल कौन होता है इसको कुरान मजीद ख़ुद बयान करता है कि जब रसूल आ जाते हैं वली कुल उम्म रसूल फैजा जा रसूल होम खुजिया बीन उम बिलकस्ती विमून के जब हम रसूल भेजते हैं हम फैसला कर देते हैं क्या फैसला करते हैं क़तबल बनाना व रसूली रसूलों को दुनिया में गलबा देते हैं यूज़बल्लबीक उनके हाथों से अजाब आता है कुफ़ार को कहा गया है कि सब के साथ ये हुआ और फिर कहा अक्कु फ़ारुकम खैर उमिन अम लकुम बरा तुम फिर जुबर ओ भाई तुम उनसे को बेहतर हो पिछले वालों से तुम्हारे साथ भी यही होगा और फिर फरमाया वमा न मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबस रसूला रसूल आ जाता है तब तक, तक हम अजाब नहीं देते रसूल के आने के बाद ये हम अजाब देते हैं तो रसूल की ये मनसबी हैसियत है रसूल की ये जिम्मेदारी है कि वह अल्लाह की निशानी अल्लाह की आयत देखिए अल्लाह का दीन नाम किस चीज़ का है अल्लाह के दीन का बुनियादी तस्वर खुदा की स्कीम का क्या है जजा व सज़ा दुनिया में मैं आया हूँ इरादा इख्तियार लेके आया हूँ मैं दुनिया से रुखत होऊंगा किस बुनियाद पर मेरा फैसला होगा एक वो इल्म जो मेरी फितरत में है और दूसरा रसूलों का ये पैगाम जो शरीत की सूरत में आता है अगर मैं उस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिर क्या होता है जजाव सज़ा होती है तो रसूल वो जजाव सज़ा जो आख़रत में होनी होती है दुनिया के पर्दे पर उसका एक ट्रेलर उसका एक रेप्लिका उसकी एक अमली तस्वीर लेबॉटरी की सूरत में रख के बताते हैं कि अगर खुदा को नहीं मानोगे तो ये कुछ तुम्हारे साथ होगा पैगम्बर को जब भेजा और कहा कि तुमने कुछ नहीं करना ये हमने करना है वमा रमयी तमैता किन्न रमा तुमने नहीं मट्टी फेंकी मैंने फेंकी है तुमने नहीं मारे बदर में मैंने मारे हैं मेरे फरिश्ते उतरे हैं आप अगर साहबा की हकायत पड़े सूर तौबा में वो खुद बयान करते हैं कुफार से कहते हुए कि भाई अब तुम इंतजार करो या आसमान से आएगा या हमारे हाथों से आएगा ये जो कुछ हुआ है अल्लाह ने किया यहाँ तक कि साहबा जब निकले ख़ुद इकदाम करने रसुल्ला की हिदायत पर तो फरमाया कि हमें तो ऐसा लगता था कि आसमान से उतरे हैं और लोगों की गर्दने काट के लोग चले गए हैं तो अल्लाह एक काम करता है रसूलों के साथ जब वो ये काम करता है तो अब आयत को पढ़े व लजीग अरसदा रसूल बिलहुदा व दीनक दीन कुल्ली वलो कर मुशरकून अब यहाँ पर अ दीन का लफ्ज आया है इसके साथ एक अलफ़्लाम है फिर पलट के वही बहस आ गई कम वक्त ज़ुबान की अब ज़ुबान को मैं घर से तो याद कर नहीं सकता अलफ्लाम आ गया अलिफ्लाम क्या चीज होता है आर्टिकल होता है चीजों को स्पेसिफाई करता है मुराद क्या है पैगंबर आए थे? ज़ज़ीरा नुमा अरब में तो अब ज़ज़ीरा नुमा अरब के अंदर जो जो अधान है उन सब पर जीरो नुमा अरब के इसीलिए रसुल्ला तमाम पे इनको गलबा इन तमाम अधियान पे कहां पर जो जजीरा नुमा अरब के अंदर है इसीलिए ने फरमाया कि अरब दीनान इस जजीरा अरब के अंदर दो दिन जमा नहीं हो सकते तो अब आगे क्या फरमाया बोला करेअल मुशरिकून, ये मुशरिकून से क्या मुराद है ये वही मुशरकून है भाई जिनके मारने का हुक्म पीछे दिया गया है सूरत तबा के अंदर बताया गया है फख्तुलमश्रकिन वज तुम हुआ सुरूहुलहमकुल्ला मरसद ये नहीं बचेंगे क्यों नहीं बचेंगे इसलिए कि रसूल की मौजूदगी में इतमाम हजत के बाद इनकार कर रहे हैं जो आज़ाब इनको आख़रत में मिलना था दुनिया में मिलेगा तो ये जो आयत पेश की जाती है इस पूरी बहस के ज़मन में इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जाता है इस आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया में निकलेंगे अगर हमने दुनिया में निकल के काम करना है तो पहले आयत से रसूल का लफ्ज़ हटाइए बिल्कुल सही मुझे लग रहा था अगली एपिसोड तक जाएंगे लेकिन क्या बात है जी आपने तो बड़ी क्विकली इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल सो एक ले के तौर पे जो समझने की बात है वो ये कि रसूल कुरान के अंदर जो बताया अल्लाह ताला की अपनी कौम के लिए आ, अदालत बन के आता है सज़ा और जजा नाफज होता है अल्लाह का रसूल के ज़रिए उसकी कौम या एड्रेस के ऊपर हिदायत आलमी होती है लेकिन अदालत वो अपने एड्रेसीज़ के लिए बन के आता है यही अदालत आखिरी दफ़ा दुनिया के अंदर अल्लाह ताली ने लगाई आप आपली वसलम के थ्रू ठीक है जी इस अदालत के कॉन्टेक्स में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये रसूल अब आ गए हैं ये आ गए हैं दुनिया के अंदर और इनके थ्रू मैं अपने दीन को गलबा दिलवाऊंगा इन तमाम अध्यान के ऊपर जो उसके एड्रेसीज़ में उस वक्त मौजूद हैं यानी ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्पेसिफिक है उसके बाद नहीं है आपके और मेरे लिए ये ना ही कोई बशारत है ना ही कोई हुक्म है कि अब जी दीन को गलबा होगा बिकॉज बाय द वे हसन भाई वो गलबा हुआ भी तो नहीं ना वो असल दुनिया में भी तो गलबा नहीं हुआ यानी कि और तो जहां तो होना था वहां हो गया जहां मौजूदगी में होना था वो तक अल्लाह ताला ने बता दिया एग्जैक्टली exactly. और देखें वो कितनी पे उस वक्त हुआ कि अरब और नेबरिंग तमाम तीनों एम्पायर जो हैं वो घिर गई तो क्या हुआ इसी दिन को गलबा हासिल हो गया लेकिन जब हम आप से हटा के इसको अमूमी तौर पर अपने लिए एक वो बशारत और हुक्म समझते हैं तो फिर कहाँ है दीन का गलबा पूछना चाहिए ना आप कहते हैं जी मुसलमानों की कम्पलेसेंसी है मुसलमानों की कौन सी है हजारों लाखों लोग अपनी जान के नजराने पेश कर गए इस गलबा दीन के लिए ख़ासतौर पर पिछले तीस साल के अंदर अभी भी कर रहे हैं दुनिया को हमने यानी आग ही लगा दी ऑलमोस्ट गलबा नहीं हुआ तो देखिए पूरी बहस का ख़ुलासा जिस तरह आपने किया बहुत शानदार खुलासा किया कि जिस वक्त हम दीन से मुतक कोई बात करते हैं हमारी मजबूरी है कि हम अपने तस्वुरात आलमी सतह पर निज़ामों की बहस के मुकाबल में इस्लाम को बतौर निज़ाम पेश करना दुनिया के अंदर अगर हमारी तहजीबी बरतरी और गलबा नहीं है उसको साबित करना ये कुछ नहीं हो सकता आयत पढ़ी जाएगी उसके ऊपर उसका तर्जुमा किया जाएगा तर्जुमा करने के बाद उसका सयाक व सवाक़ कुरान मजीद का पूरा कानून उसके नज़ायर उसके शवाद अगर आप उससे कोई इस्तेमाल भी करते हैं तो वह लफ्ज़ में बयान करेंगे आप और उसको क्वालिफ़ाई होना चाहिए वहाँ पर तो पूरा तसवर क़ामत दीन का मत दीन अपनी ज़ात में कोई फरीजा नहीं है इस लफ्ज से वो मुराद नहीं है मुसलमानों के इल्म इल्मे से वो मुराद नहीं ली बिल्कुल सादा सी बात है दीन पर कायम रहेंगे दीन को इख्तियार करेंगे दीन को अपनी जिंदगी में आप बहाल रखेंगे उस पर खड़े रहेंगे अमल पैरा रहे लोगों, लोगों को दावत देंगे लोगों को दावत देंगे आप वहां पर भी आप देखिए दावत किसने देनी है हुक्म बताएगा की दावत अलग फर्द की दावत अलग बनी इस्माइल की दावत अलग बतौर कौम के आप कहें जी दावत देना फर्ज है तो एक बंदे के ऊपर भी फर्ज है कि अमेरिका को जाके दावत दे वो हर हर हुक्म की हरकियात बताएंगी कि वो किस से मुतलक हैं, लिहाजा आप ये जो तर्जुमा करते हैं ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है ये आयत का जो मफहूम पीछे से बयान हो रहा है उससे मुताबकत नहीं रखता खुद आयत के लफ्स का जो मातूफल है आगे बयान हुए तफरका ना करो उससे मुताबकत नहीं रखता आप ये कहते हैं कि नाफि करो किन पे नाफिज करो और जो हम नाफिज नहीं करके गए उनके बारे में क्या ख्याल है आपका जिनको मौके नहीं मिला नाफिज करने का तो यह सारी चीज़ें खुद इस तस्वुर को सबसे बढ़कर आप अगर गौर करेंगे जिन लोगों ने इस तस्वुर को अपनाया है उन्होंने भी जहां इस लफ्स की लफ्जी बहस की है बाकी जगहों के ऊपर तोरात के बारे में यही लफ्ज आया है इंजील के बारे में यही लफ्ज आया है उनसे गुफ्तू करते हुए कि भाई ये ये फैसला कामत का। तुम इसके ऊपर बात करते हो इन चीजों को अख्तियार करो जो तुम्हें दी गई हैं तो वहां पर वही तर्जुमा कर रहे हैं इख्तियार करो, करो कायम रहो यही लफ्ज है यही लफ्ज है तो ये पहली बात है दूसरी बात ये लफ्ज कहने से पूरा दीन किसी पर नाफिज नहीं हो जाता और फिर सेल्फ ही होती है क्या आप आगे बढ़ के कहते हैं, नहीं नहीं ये चंद अहकाम तो फर्ज से मुतलक हैं भाई क्यों से मुतलक हैं अगर सब के सब नाफिस करने के लिए यहाँ पर तो कोई तखसीस नहीं की गई तो फिर हुक्म बताएगा जब हुक्म बताएगा तो फरीजा अकामत दीन कोई चीज़ नहीं है हुक्म में जाना पड़ेगा एक हु आपने बयान कर दिया कि जी ये तो गलबे का हुक्म दिया गया है उसकी मैंने तोज़ी की वजहत की अपने तालबाना इल्मी सफर की रोशनी में हम खुद तालब इल में इतई तौर पर चीज़ों को समझते हैं और आज जी के साथ ये बयान करना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे ने लिखी हैं इस अहद है। के अंदर बड़े लोगों ने बयान किए हैं हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गांधी साहब ने बयान की मौलानी असन असला ने बयान की हमीदुद्दीन फ़राही ने बयान की ये लोग हैं जिन लोगों ने इन तस्वूर को बताया है खुदा की पूरी हदायत को सामने रख के तो इस तरह के तस्वूर को आगे बढ़ के तालमाना तौर पर डायसेकट करना चाहिए और कायमशुदा तस्वुरा जज्बातीत से निकल के अब मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अल्लाह के नाम पर अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो इससे भारी जिम्मेदारी कोई नहीं है ये मैं और आप अपने तस्वूर की रोशनी में नहीं कर सकते अल्लाह की बात फ़िक्री गुमराही का पहला जीना ये है कि आप ज़ुबान का दामन छोड़ दें और अपनी मनतिक से ज़ुबान तश्ल दें उससे एक तसवुर अखस करें और पूरे दीन के ऊपर उसको हावी करके दुनिया में नफाज दीन की बातें करें बहुत शुक्रिया हसन भाई हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आई होप कि किसी हद तक हम अपना नुकतः नज़र नज़र तलब इमाना आप तक ये पहुँचा सके हों कि ये अल्लाह का बिल्कुल हुक्म नहीं है फरीज़ा अकामत दीन कोई दीन का फरीजा नहीं है और फरीजा गलबा दीन या बशारत गलबा दीन भी दीन का कोई हिस्सा या फरीज़ा या बशारत नहीं है थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इनशा